नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2, 3 और 4 जून के आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इस समय मेरे एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं इस समय तुला राशि वाले जातकों के ग्रह स्थितियों कैसे रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे, इन सभी का आपके राशि पर कौन सा असर पड़ने वाला है, किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थितियाँ और धन की स्थिति को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय भी हैं जिन्हें आप करके जीवन में और भी ज्यादा खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, आपको बताएंगे। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जीवन में इस समय भाग्य का साथ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपके बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है, तथा आप लोगों के जीवन में इस समय अलग अलग क्षेत्रों से नई जानकारी की प्राप्ति होंगी। आप अपने आप को भाग्यशाली, बलवान और धनवान भी बनाने वाले हैं। और इस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है, तथा अगले 3 दिनों के अंदर आप लोगों के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। मित्रों, आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल रहेंगी, आपका मन शांत रहेगा, नौकरी करने वालों को बोनस मिल सकता है, आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन बन सकता है जिनसे कि आपका पिताजा हर घर में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आपका जीवन साथी और बच्चे भी काफी स्नेही और प्यार करने वाले होंगे। घर परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगी। आपका व्यापार रोजगार भी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। आपको जीवन में इस समय बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। आपके सारे अधूरे कार्य भी, सारे अधूरे सपने भी पूरे होंगे। आप अपने घर में सभी का प्यार और स्नेह भी प्राप्त कर सकते हैं जिनसे कि समाज में आपकी अलग छवि, अलग पहचान बनेंगी। मकान की खरीदारी कर सकते हैं, पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको अपने काम काजों में अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय से जुड़ी आपके लोगों की सारी योजनाएं अगले 3 दिनों के अंदर पूरी होंगी। आपको परिवार के जीवन में शांति का माहौल बनाने का मौका भी प्राप्त होने वाला है। आपको कोई अच्छी सरकारी नौकरी भी मिलेंगी। आपको अपने विरोधी पर विजय की प्राप्ति होगी। आप लोगों को अपना खोया हुआ सच्चा प्यार भी प्राप्त होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने कर्म पर भरोसा रखने की कोशिश करें। कर्मों को देखते हुए आप लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। आपकी खुशियां जीवन में आने वाली हैं। त्रिदेव आपकी किस्मत पूरी तरह से संवार देंगे जिसकी वजह से आपको जीवन में अच्छा परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप अपने अधूरे कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। आपको कुछ रोचक जानकारियां भी हासिल होंगी। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप लोगों को आपके भाग्य की ओर से पूरा समर्थन मिल सकता है। धन से जुड़ी आपकी समस्याएं दूर होंगी। ऑफिस के काम के दबाव से आपके जीवन में काफी बड़ा लाभ हो सकता है। आप जीवन में प्रॉपर्टी दलाली ब्याज से अधिक धन कमा सकोगे। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल कर सकते हैं और कोई पुराना वाद विवाद भी दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में इस समय बड़े चमत्कार की प्राप्ति होने वाली है और कार्य क्षेत्र में लिया गया निर्णय भी आपके लिए काफी शुभ और काफी लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, आप अपनी पुरानी शारीरिक समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। आपके द्वारा किया गया निवेश भी आपके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। आप अपने शत्रुओं पर भी विजय की प्राप्ति करने में काफी सक्षम होंगे। दैनिक जीवन में धन वर्षा हो सकती है। आपको धन का मार्ग भी दिखाई देगा। आपके मन में वर्षों से जो भी प्लान चल रहा था उन्हें अब हकीकत में बदलने का आपका समय आ चुका है, तथा आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको शुभ और अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए अपने एक अलग छवि, अलग पहचान बनाने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आप इस समय अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की अवश्य कोशिश करें। आपका क्रोध आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू करने की अवश्य कोशिश करें। तभी आप जीवन में सफल हो सकोगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कार्य को करने की विशेष प्रयास
अभ्यास भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपको शुभ और अच्छे समाचारों की प्राप्ति जरूर होंगी, परंतु आप अपने क्रोध को अपने नियंत्रण रखने की अवश्य कोशिश करें, तभी आप सफल हो सकोगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कार्य को करने के लिए आप प्रदर्शित हो सकते हैं। मित्रों व्यापारियों को भी व्यापार में अच्छा फायदा प्राप्त होगा, आप लोगों को बड़े धन लाभ हो सकते हैं, आपके रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। आपको जीवन में क्रोध को आप बनाए न रखें, आपको क्रोध पर संयम बनाए रखने की जरूरत रह सकती है। जीवन में होने वाले छोटे या बड़े परिवर्तन वे आपको काफ़ी सुख दे सकते हैं तथा आपको आय के स्रोत में वृद्धि करने के मौके मिल सकते हैं। आपको नए लोगों के साथ शानदार वाहन सुख की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में लिया गया फैसला भी आपके लिए निर्णायक हो सकता है। आपकी कुंडली के अनुसार कारोबार के क्षेत्र में आप लोगों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। मित्रों भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको शुभ और अच्छे समाचारों की प्राप्ति भी आप करने वाले हैं तथा इस समय आपको अपने भाग्य की ओर से पूरा पूरा सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होने वाला है। आप लोगों का आने वाला समय बेहद उत्तम रहने वाला है। शनिदेव की कृपा से आपको बहुत ही फायदेमंद अवसर की प्राप्ति होंगी, आपके सोचे गए अधिकतर कार्य भी पूरे होंगे तथा आप किसी नई योजनाओं को बनाने में सफल हो सकते हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई नया काम आज शुरू करने का प्रारंभ कर सकते हैं। आपके जीवन में इस समय भगवान श्री विष्णु जी की कृपा सदैव प्राप्त होने वाली है तथा अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी पाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं और आपको अपने कारोबार में पहले से अधिक धन लाभ हो सकता है। बच्चों की तरक्की से भी आपको खुशियां मिल सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में आपका सुधार आ सकता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको विशेष फायदे की प्राप्ति होंगी। समय समय पर होने वाले परिवर्तन भी आपको बेहद ही फायदा दिला सकते हैं। पारिवारिक मसलों पर भी आपको अचानक यात्राओं को करना पड़ सकता है। यात्राओं को करना आपके लिए लाभदायक रह सकता है और यात्राओं को करते समय आपका संपर्क भी ऐसे व्यक्ति से होगा जिससे मिलने के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ दुगुनी हो जाएंगी। आपको जीवन में लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी भी हार नहीं होती। वे अपने जीवन में लगातार सफलता को हासिल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में आप विभिन्न क्षेत्रों में नई पद्धति का निर्माण कर सकते हैं और अपने काम काजों को पूरा करने की प्रयास कर सकोगे तथा यह समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की आशीर्वाद आपके घर में रहेगा और आपको कोई नया मेहमान की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होंगे। तेजी से प्रगति करते हुए समाज में आप अपने अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आप कुछ अचानक से परिवर्तन कर सकते हैं।